हेलो फ्रेंड्स, मैं जय। आप मेरे चैनल बेटा लाइफ जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलोवेरा प्लांट के ग्रोथ एंड केयर के बारे में। इस प्लांट को कितना पानी देना चाहिए, इसे कितने सनलाइट चाहिए और इसके पॉट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, आपका प्लांट अगर ये ग्रो नहीं कर रहा है, आपके पत्ते काफी गीले पड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, अलग हो रहे हैं और बहुत तेजी से बहुत सारे नए बड्स नहीं निकल रहे हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और अच्छे रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्लेस जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं। एलोवेरा के जूस से स्किन में निखार आने लगता है। इसके रोजाना पीने से या लगाने से बालों में स्किन में चमक आती है। अगर बाल में आपके डैंड्रफ हो गए हैं तो वो भी दूर हो जाती है इसको लगाने से। बैक्टीरिया से लड़ने की बहुत क्षमता होती है, एक अद्भुत क्षमता होती है एलोवेरा में। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये एलोवेरा एक वरदान है। दोस्तों, ये एलोवेरा जो है एक सेक्युलर प्लांट है। ये बहुत ही एक हार्डी प्लांट है। इसकी बहुत सी वैरायटी आती है। इसकी केयर करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ खास चीजों की मदद से आप एलोवेरा प्लांट को बहुत ही हरा भरा सा और बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे बड्स वाले बना सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा एलोवेरा प्लांट कितना घना सा लग रहा है। मैंने जब लगाया था एलोवेरा प्लांट तो 3-4 प्लांट ही लगाए थे मैंने, लेकिन अभी देखिए इसमें से 20 या 25 नए नए बर्ड्स, नए नए प्लांट्स निकल आए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए आप। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए हम क्या क्या चीजों की केयर करने की आवश्यकता है। कोई भी प्लांट्स में मुख्य रूप से 4 चीजों को केयर हमें करनी चाहिए, पॉट, सनलाइट, वाटरिंग और उसकी मिट्टी। पॉट आप ऐसा चूज करें जिससे उस प्लांट को फैलने में मदद मिले, उसकी जड़ों को फैलने में मदद मिले। जैसे आप देख रहे हैं इसका पॉट, मैंने ऐसा पॉट इसके लिए लिया था ताकि जो बड़ा रहे, ताकि नए नए बर्ड्स निकलने के लिए उसको जगह मिले। कई बार हम देखते हैं कि एलोवेरा को छोटे पॉट में लगा दिया जाता है, लेकिन छोटे पॉट में लगाने की वजह से क्या, वो एलोवेरा बाहर निकल निकल के आते रहता है या उसको पूरा पर्याप्त जगह नहीं मिल पाता। एक समय के बाद वो उसका ग्रोथ है वो रुक जाता है। इसलिए आप इसके लिए ऐसा पॉट चूज कीजिए जिसमें काफी एरिया स्पेस हो आज बाहर नए नए ब्रांड्स के निकलने के लिए और उसका ड्रेनेज अच्छा हो, क्योंकि एलोवेरा में बहुत ज्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए। वेल ड्रेन इसका सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन इसका पॉट होना चाहिए, छेद वगैरह उसमें पर्याप्त हो। सॉइल आप इसका जब भी लें तो ऐसा लें जैसे आप एक बॉल में आप सैंड ले रहे हैं, उसका आधा आप सॉइल लीजिए और उस सॉइल का भी आधा आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए, मतलब 1/4 आप वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग लीजिएगा। उससे क्या होगा, इसकी जो पॉट की मिट्टी तैयार होगी काफी वेल ड्रेन रहेगी और आसानी से उसमें पानी स्टोर नहीं करेगा और ड्रेनेज होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था उसके सॉइल और पॉट के बारे में। सनलाइट की बात करते हैं। सनलाइट इसे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है। आप अगर इसे तेज धूप में रख देते हैं, गर्मी के दिनों में अगर आप तेज धूप में इसको रखते हैं तो इसके पत्ते ब्राउन तो होने लग जाते हैं और गलने लग जाते हैं और गल के अलग हो जाते हैं। आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए। गर्मी के दिनों में इसे सुबह की जो धूप आती है वो इसके लिए सफिशियंट होती है। अगर आप विंटर में चाहें तो इसे तेज सनलाइट में रखा जा सकता है, लेकिन गर्मी के दिनों में ऐसा मत कीजिएगा। इसे पार्शियल शेड, गर्मी दिनों में इसे पार्शियल शेड या सेमी शेड फिल्टर जो सनलाइट होती है जहां पर वहां पर रखिएगा, या जहां आपके पेड़ की छांव आती हो वहां पे आप रखिएगा। उससे आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप एलोवेरा का प्लांट अपने घर पे जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि इसकी पत्तियों से आप इससे बहुत सारे इसके फायदे ले सकते हैं। इससे जो लसलसा था इसके पत्तियों से निकलता है, लिक्विड निकलता है, जेल निकलता है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप इसमें वाटरिंग की बात करते हैं तो इसमें आप बहुत ज्यादा वाटरिंग ना कीजिए। इसमें आप उतना ही वाटरिंग कीजिए जिससे इसकी जो सरफेस है वो मॉइस्चर है। अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसकी जड़ें गलने शुरू हो जाएंगी और आपके प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा या प्लांट अच्छे से आपका ग्रो नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, खाद की बात करते हैं। इस प्लांट को बहुत ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने कभी भी इसे बहुत कोई खाद नहीं दिया है, केमिकल फर्टिलाइजर कभी भी यूज नहीं किया है। अगर आप खाद यूज करना चाह रहे हैं तो आप नीम की खली समय समय पर दे दीजिएगा। उससे क्या होगा कि अगर इसकी जड़ों में कोई कीड़े लगे हैं, मिट्टी में कोई कीड़े लगे हैं, फंगस वगैरह है, तो वो खत्म हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, तो ये मेरा वीडियो था एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ और केयर के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।